बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया मुख्तार, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी। आज के लिए मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। उम्मीद है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी के हर पहलू में पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करें। ज़िंदगी में सबसे आसान काम दूसरों की इस्लाह करना है, लेकिन अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो इस्लाह का आगाज़ अगर अपने आप से किया जाए तो काफ़ी अच्छा चेंज हमें मिल सकता है। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्ब ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। वेल, हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बेहतरीन सा मेहमान, और उस मेहमान के साथ हमारी गपशप लगती है, और गपशप में ही हम कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचाते हैं जो आप सब के लिए बहुत बेहतरीन हों, इन्फॉर्मेटिव हों और हम कुछ सीख सकें। आज मैं आपको एक ऐसी बहादुर खातून से मिलवाने जा रही हूँ जो कि दिन रात आपकी और हमारी सेहत पर काम कर रही हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं सादिया मुख्तियार। सादिया मुख्तियार, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस काबिल समझा कि हम जो काम कर रहे हैं या जो हमारी खिदमात हैं आप उनको इतना कंसिडर कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं मैम कि आपका क्या आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग है कोहाट में, या इससे पहले भी किसी और शहर में, किसी और जगह पे कुछ और लोगों के साथ भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं आपने? अगर हम फूड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो नहीं, फूड अथॉरिटी में तो ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है, और इससे पहले मैं पेशावर में सर्व करती रही हूँ एक साल, और फर्स्ट पोस्टिंग है लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली हैं यहाँ मूव करने के बाद। आप कोहाट में पहली दफ़ा आई हैं, आप अपनी जॉब के सिलसिले में, रिस्क के सिलसिले में, या इससे पहले भी कोहाट आपका आना हुआ? नहीं, कोहाट पहले मैं यहाँ इस तरफ नहीं आई, ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है और फर्स्ट ट्रांसफ़र है मेरी, तो दिस इज़ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आपको कोहाट, कोहाट के लोग, यहाँ के चश्मे, यहाँ के अमरूद और बहुत सारी इस तरह खूबसूरत चीज़ें? कोहाट काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं यहाँ पे। शायद फिर यहाँ की माउंटेन्स के साथ अटैचमेंट है मेरी। अच्छा, हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, लोगों को मैंने काफ़ी पॉजिटिव पाया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है। एज अभी मेरा टाइम काफ़ी कम हुआ है और इंशाल्लाह बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रहेगा ओवरऑल। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर हम कोहाट में फूड प्रोडक्ट की सफाई की बात करें तो आप क्या समझती हैं किस हद तक यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता है? स्पेशली अगर मैं बात करूँ बेकरी आइटम की या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आम अवामुन नास खाती है। ओवरऑल जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे, मुझे टाइम तो काफ़ी कम हुआ है लेकिन मेरी इंस्पेक्शन से, मेरे फील्ड वर्क से जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मेरा ख्याल है कि इट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। अभी काफ़ी अवेयरनेस इनको चाहिए और मेरा ख्याल है कि इस पे काम शुरू भी है, जितना फूड अथॉरिटी कर रही है जिस टाइम से यहाँ लगी हुई है।
तो वो इम्प्रूवमेंट नज़र भी आ रही है, और स्टिल यहाँ के लोगों को अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लाइक जैसा एक फूड का स्टैंडर्ड होना चाहिए, अभी तक वो टोटली मेरा ख्याल है कि अभी डेवलप नहीं हुआ। मतलब आप समझती हैं कि फ़ूड सेफ्टी के हवाले से जितनी अवेयरनेस है वो तो लोगों में नहीं है, तो इस सिलसिले में फ़ूड सेफ्टी का इदारा लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रहा है? फ़ूड सेफ्टी का इदारा, पहले हमारी कोशिश होती है कि हम जितना कोशिश करें लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे लिटरेसी काफ़ी कम है इस चीज़ों के लिहाज से, कि हम इनको उस लेवल तक ला सकें कि हम इन्हें समझाएं कि टेम्परेचर और डिफरेंट हाइजीनिक कंडीशंस, ये उनको उनके लेवल पे आके समझाने की ज़रूरत है। जैसे कि नॉर्मली अब मैं पेशावर से यहाँ मूव करके आई हूँ, वहाँ लोगों को समझाना काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको उनके लेवल पे जाके समझाना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू कोहाट। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें अवेयरनेस सेशंस रखने चाहिए, ट्रेनिंग्स रखनी चाहिए, जो कि हमारा बेसिक स्टेप होता है, बेसिक नीड होती है हमारी, कि उसके ज़रिए हम लोगों को एजुकेट करें, फैसिलिटेट करें, उसके बाद जाके हमारी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फिर दूसरी तरीके से होती। और इस पूरे सिनेरियो में आप समझती हैं कि बड़े शहरों की बनिस्बत अगर हम कोहाट की बात करें तो हमारे कोहाट में एजुकेशन रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग उस चीज़ को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जी अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि अगर एक आम बंदा देखता है कहीं पे कुछ मिलावट हो रही है, या कहीं पे दो नंबरी हो रही है, या कारखानों में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हैं, तो वो एक आम शख्स फूड अथॉरिटी को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? उसके लिए हमने एक प्रॉपर कंप्लेंट पोर्टल बनाया हुआ है, उसका एक नंबर है हमारा, हम ब्रोशर्स जो हैं वो हम स्प्रेड करते हैं, उसके ज़रिए हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है एक उसका अपना, उस पर हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं जो कि, और थ्रू ईमेल भी हमें रिसीव हो सकती हैं, और फिर उस पर हम अपना काम करते हैं, और ये हमारे डेली बेसिस पे होता है कि हम कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं और उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं कि हम उस पर काम करने की कोशिश करें। आप लोगों का कोई टोल फ्री नंबर, कोई हेल्पलाइन, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ, फेसबुक पे भी कोई इस तरह का पेज वगैरह है? जी हमारा एक प्रॉपर पेज है फेसबुक पर, उसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइडेड होता है, इसके अलावा हम ब्रोशर्स भी जो हैं इंस्पेक्शन के दौरान वो प्रोवाइड करते हैं, जिस पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जाके कोई भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता। अक्सर मैम होता क्या है कि इदारों को जो इन्फॉर्मर होता है वो ये चाहता है कि उसका नाम सीगे रास में रखा जाए। जी। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है जो लोग आप लोगों की हेल्प करते हैं और जो बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो क्या उसको मतलब है कि सीगे रास में रखा जाता है, और क्या उसको कोई रिवॉर्ड भी दिया जाता है? हाँ जी ऐसा ही होता है, ज़ाहिर है अगर वो हमें कंप्लेन दे रहा है या फिर वो अपना नाम नहीं शो करना चाहता या फिर वो चाहता है कि उसे राज में रखा जाए, तो हम उस बात को राज में रखते हैं, और अदरवाइज़ ये हमारी पॉलिसी है कि हमने कंप्लेनेंट जो है उसको सामने नहीं लाना होता, हमारा मकसद मसले सॉल्व करना है, तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ऑब्वियसली उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ठीक है, रिवॉर्ड इन अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो वो चाह रहा है उस पे हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, फिर हम दोबारा उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इधर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, और अगर उसकी उसका सेटिस्फेक्शन रेट वैसा नहीं है तो हम उस पर दोबारा काम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जहाँ पे कुछ दो नंबरी होती है उन कारखानों को या उन दुकानों को सील कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या हफ्ते दो के बाद दोबारा से मतलब है कि वो रीसेल हो जाती हैं, तो वो क्या चक्कर होता है, इसकी क्या वजह है? सील करने का हमारा एक्चुअली एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, सील का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हमने बिजनेसेस को बंद करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा इर्द गिर्द का जो सारा सिस्टम है वो इन्हीं बिजनेसेस से चल रहा है, और हम वन वे और दी अदर हम उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हाँ हमारा मकसद है उनको राह रास्त पे लाना। सील करने का मकसद ये होता है कुछ दिन उनको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरा बिज़नेस बन जा रहा है तो इससे मुझे कितना नुकसान होगा, और हाँ उसके अलावा वो आते हैं यहाँ पर हमारे साथ
इस चीज़ का मुआहिदा करते हैं कि वो आइंदा गलत काम नहीं करेंगे, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं उन पे लाने की कोशिश करते हैं, उनको हम वार्निंग्स देते हैं, अकॉर्डिंगली चलते हैं बहुत तरीके से, ताकि उनके बिजनेसेस भी बंद ना हों और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सके। ये चीज़ मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व की है, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि फलां जगह सील हो गई और दो दिन बाद खुल गई। तो सील करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी बिजनेस को बिल्कुल ही बंद कर दें। वो इस केस में होता है कि अगर उन्हें हम सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, तो फिर वो स्टेप होता है कि हम उसे टोटली बंद करने की कोशिश करें। वेल फ्रेंड्स, मैम ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश आपको की है, लेकिन मैम का मतलब यही है कि दो तरह की सील होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर कहीं पे वो जाते हैं और जराइम जो है वो काबिले इस्लाह हैं तो उसको सील कर दिया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है और सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर फिर भी वो चीज़ कंटिन्यू रहती है तो फिर उस पर FIR भी होती है, उस पर सज़ाएँ भी होती हैं और फिर जेल की चक्की भी आपको काटनी पड़ सकती है। अच्छा मैम, एक और दिलचस्प सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ। क्या जब आप लोग फील्ड पे जाते हैं, चेकिंग करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म में ही होता है या कुछ सिविल कपड़ों में भी आप लोग जाके तो फील्ड पे आप विज़िट करते हैं? नॉर्मली हमारा प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, वाइट ओवरऑल्स होते हैं जो कि हमें पहनने होते हैं, और इसके अलावा हमारी कैप्स होती हैं, और अगर फील्ड इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं तो इसके दौरान हमारे पास अपनी प्रॉपर किट्स होती हैं, जिसका अगर हमने ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास गैजेट्स मौजूद होते हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी हमने सैम्पलिंग करनी है तो उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर है, यूनिफॉर्म और प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हम ग्लव्स और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है फील्ड में, उसके बाद ही हमारी इंस्पेक्शन कंटिन्यू। आप फील्ड पे काम करती हैं, और क्या बीइंग अ वुमेन फील्ड पे काम करना मुश्किल होता है, आप क्या समझती हैं? नहीं, बीइंग अ वुमेन काम करना मुश्किल नहीं है, वो हमारा मुआशरा समटाइम्स हो जाता है कि हमें डिफरेंट डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता है। जैसे अब एज बीइंग पठान कल्चर, बीइंग अ लेडी, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, डू इन द रोम एज द रोमन्स डू, तो आपको कोई भी अपने काम करने से रोकता नहीं है, बस आपने वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अडॉप्ट करना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काम मुश्किल है, अगर आप डिटर्मिंड रहें तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है मेरे लिहाज से। ठीक है, मतलब इंसान अपनी राह में चले तो कोई उसे तंग नहीं करता, बल्कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। इस वक्त मैम आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को, स्पेशली फीमेल को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नॉर्मली अगर देखा जाए तो फीमेल में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वर्किंग लेडीज होती हैं जो कि बाहर भी काम करती हैं, हाउसवाइफ्स भी होती हैं। मेरे लिहाज से पॉजिटिव रहना ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है ज़िंदगी की तरफ। पॉजिटिव रहा जाए और नेगेटिव वाइब्स को अगर अपनी ज़िंदगी से जितनी कोशिश की जाए कम किया जाए, तो वो कोई भी काम हो, चाहे घर का हो, बाहर का हो, तो बड़ा इजीली हो सकता है। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती, बल्कि आपके रास्ते में से जितने कांटे आते हैं, जितने पत्थर आते हैं, वो खुद ब खुद चुन लिए जाते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की भी हम बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव इदारा है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि माशरे में इस्लाह लाई जाए। इसलिए ज़रूरत है आपको और मुझे, हम अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने कारोबार में भी इस्लाह लेकर आएँ। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। आलिया खान, अल्लाह ने के साथ।